15वीं 16वीं शताब्दी में पुस्तक लिखी गई थी भविष्य मालिका, जिसमें बताया गया था कि उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक प्रतीत होगा यानी कि बाल बुद्धि, और पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे। और इस समय पुरी के राजा गजपति महाराज ही हैं। जगन्नाथ मंदिर का पत्थर ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगेगा और मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिरेगा। मंदिर में जो त्रिदेव स्थापित है उनके ऊपर जो वस्त्र लगा है उसमें अचानक से आग लग जाएगी और मंदिर के प्रशासन में कई सारी कमियां सामने आएंगी और समुद्र का जल स्तर बढ़ते बढ़ते मंदिर की सीढ़ियों पर पानी आ जाएगा। और भविष्य मल्लिका की यह भविष्यवाणी भी हो चुकी है, और इसी भविष्य मल्लिका में लिखा था कि शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो भारत पर बहुत बड़ा संकट आएगा। और डरावनी बात तो यह है कि 2024 में शनि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और शनि का मीन राशि में यह प्रभाव 2.5 वर्षों तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार भारत की कमान एक संत के हाथ में होगी और वह अविवाहित होगा। भारत पर चीन और इस्लामिक देश मिलकर आक्रमण करेंगे। इसी भविष्यवाणी के संदर्भ में कहा जाता है, जब भारत पर हमला होगा उस समय भारत की शासन प्रणाली या तो मोदी जी के हाथ में होगी या फिर योगी आदित्यनाथ के हाथ में। तो आखिर क्या है भविष्य मल्लिका, इसको किसने लिखा था और 15वीं 16वीं शताब्दी में भविष्य का इतना सटीक अनुमान कोई कैसे लगा सकता है? तो चलिए जानते हैं भविष्य मल्लिका का पूरा इतिहास और क्या क्या इस पुस्तक में और लिखा गया है। इन चीजों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। भविष्य मल्लिका एक पुस्तक का नाम है जिस पर भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में लिखा गया है। आज से 600 साल पहले यानी कि 15वीं 16वीं शताब्दी के बीच उड़ीसा के अच्युतानंद महाराज ने भविष्यवाणी करके पुस्तक लिखी, जिससे अच्युतानंद मल्लिका के नाम से जाना जाता है। इसमें लिखा है कि सूर्य जो हम सबको जीवन प्रदान करता है, वही सूर्य कलयुग के अंत में जीवन लेने वाला बन जाएगा। तेज सूर्य के प्रकाश से मनुष्य को तरह तरह की त्वचा संबंधी बीमारियां होंगी, जैसा कि इस समय हो रहा है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें स्किन इन्फेक्शन जैसी बीमारियां पैदा कर रही हैं और पृथ्वी का टेम्परेचर हर साल 1 डिग्री बढ़ता जा रहा है। दूसरा, जिस समय भविष्य मल्लिका पुस्तक लिखी गई थी उस समय भक्ति काल का दौर चल रहा था और उस समय इन चीजों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने लिखा कि कलयुग के अंत में लोग भगवान को भूलने लगेंगे और पूजा अर्चना बंद कर देंगे, लोग मानवता को भूल जाएंगे, धर्म पर चल रहे लोगों को परेशान किया जाएगा, पाखंडी लोग संत बनेंगे, महिला और पुरुष बिना किसी शर्म के अश्लील कार्य में लिप्त हो जाएंगे, एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ और एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ संबंध स्थापित करेगा और इस प्रकार के अप्राकृतिक संबंधों को समाज मान्यता भी देगा। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि आने वाले समय में ऐसा कुछ होगा। इस पुस्तक में स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि आने वाले समय में बिना विवाह किए कम उम्र में ही बच्चे जन्म लेंगे, जिसे आज का समाज लिव इन रिलेशनशिप का नाम देता है। भविष्य मल्लिका में लिखा हुआ था कि आगे आने वाले समय में मौसम अपरिवर्तित रूप से बदलेगा और मानव द्वारा की गई गलतियों की सजा इस पूरी प्रकृति को भुगतना पड़ेगा। जंगली जानवर तथा सभी जंगली जीव जंगलों को छोड़कर गांव और शहर में आने लगेंगे और लोगों पर हमला करेंगे। आने वाले समय में जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी भर जाएगा और भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होगा। उस समय महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी, सरकार कई तरह की टैक्स लगा देगी जिससे सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा और भी बढ़ जाएगा। इस किताब में कल्कि अवतार के बारे में जिक्र किया गया है कि जब उनका जन्म होगा तब उनके साथ हनुमान जी, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य सहित सभी 7 चिरंजीवी किसी न किसी श्राप या भगवान के आदेश के चलते रुके हैं, वह सभी इस दुनिया में प्रकट होंगे। अमेरिका, चीन और रूस की स्थिति क्या होगी, भारत का अंतिम राजा कौन होगा और कैसा होगा, इन सभी चीजों के बारे में यह भी पुस्तक में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जब प्रलय आएगा तो आकाश में 2 सूर्य दिखाई देने लगेंगे, रात के अंधेरे में भी युद्ध होगा और कई दिनों तक सूर्य निकलेगा ही नहीं। उस समय पृथ्वी पर आवाज बहुत कम हो जाएगी, गाँव में सिर्फ 2-4 लोग ही बचेंगे, समुद्र में बहुत बड़ी घटना होगी जिससे समुद्र के किनारे वाले सभी इलाके डूब जाएंगे। भगवान जगन्नाथ और उनका परिवार लोगों को छोड़कर कहीं और बस जाएंगे और उस स्थान का नाम छतियाभट्ट होगा। उसी समय उत्तरी एशिया के लोग भी आक्रमण करेंगे। यह युद्ध काफी समय तक चलेगा जिसकी शुरुआत 2024 में बहुत बड़ी क्रांति से होगी। इस पुस्तक के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म उत्तर प्रदेश के संबलपुर जिले में होगा, जिसका पता किसी को भी नहीं चलने वाला है। भविष्य मल्लिका के अनुसार पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा पाप बढ़ जाएगा, जिससे तंग आकर नास्तिक लोग भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वह इस पृथ्वी पर अवतार लें और धर्म की
की स्थापना करें और इस समय भगवान कल्कि लोगों के सामने प्रकट होंगे। भविष्यमल्लिका के अनुसार जो लोग महाभारत काल में मारे गए थे वह सभी लोग जन्म लेकर कल्कि अवतार का साथ देंगे और एक भयंकर युद्ध होगा जिसमें विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ ही रह जाएगी। इसके अलावा बाकी सभी मारे जाएंगे जिसमें से 33 करोड़ लोग सिर्फ भारत में ही रहेंगे और उसके बाद 1000 साल तक इस दुनिया में शांति बनी रहेगी। भविष्यमल्लिका के अनुसार अमेरिका का बहुत सारा हिस्सा पानी में डूब जाएगा, रशिया पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, चाइना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और दुनिया कई भागों में विभक्त हो जाएगी। भविष्यमल्लिका के अनुसार भारत का अंतिम राजा एक योगी होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। भविष्यमल्लिका के अनुसार इस समय दुनिया अपने अंतिम पड़ाव में चल रही है और अब कुछ लोग बोलेंगे या मन में सोच रहे होंगे कि भविष्यमल्लिका भक्ति काल में नहीं बल्कि आधुनिक काल में लिखी गई थी, तो मैं आपको बता दूं कि भविष्यमल्लिका के पहले पृष्ठ पर ही लिखा हुआ है कि मूर्खों के लिए यह किताब नहीं बनी है। वह सभी जो भविष्यमल्लिका को आधुनिक काल का लिखा हुआ मानते हैं तो शायद वह इस वीडियो पर गलत आ गए हैं। 15वीं शताब्दी में जब यह पुस्तक लिखी गई थी तो लोगों के लिए सिर्फ यह एक मजाक की बात थी कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब वह चीजें हमारे साथ घटित हो रही हैं तब हम उस पुस्तक की चीजों को याद करते हैं। दोस्तों, यह पुस्तक आज भी मंदिर में सुरक्षित है और इसे किसी को भी पढ़ने और देखने की अनुमति नहीं है। आज के लिए इतना ही। यदि आज कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें।